यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से खास बातचीत की है हमारे प्रतिनिधि अंकित श्रीवास्तव ने। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज नौचक निरीक्षण किया है। अपने अधिकारियों को यानी पीएसओ को भी नहीं बताया था कि हमको कहां जाना है, निकल पड़े थे गाड़ी से बैठकर और लगभग 9:54 में इस कृषि भवन में पहुंच चुके थे। कई अधिकारी अनुपस्थित मिले हैं जिनको कड़ी चेतावनी दी गई है। मंत्री से पूछेंगे, मंत्री जी ये पहला और अंतिम निरीक्षण तो नहीं है कि आगे आने वाले समय में ये निरीक्षण होते रहेंगे इसी तरह के? नहीं होंगे, समय समय पर निरीक्षण भी होंगे और उसके लिए लोगों पर जवाबदेही भी तय होगी। जो यहाँ के विभागाध्यक्ष हैं आज, चूंकि वो अस्वस्थ हैं और मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए गए हैं, लेकिन आगे से उनकी भी जवाबदेही होगी और जिस सेक्शन के और जिनके पास जो काम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसके लिए जवाबदेह होंगे। कर्मचारियों का अब खुला संदेश ये माना जाए कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे? नहीं, ये सुधरने के लिए ही ये आग्रह मैं कर रहा हूँ। मैं कठोर कार्रवाई के पहले मैं चाहता हूं कि लोगों में सुधार हो, कार्य संस्कृति को बदलें और वो अच्छा करें। अच्छा करेंगे तो हम उनकी प्रशंसा करेंगे, खराब करेंगे तो फिर उनको दंड का भागी होना पड़ेगा। किसानों से जुड़े मामले यहां पर सुने जाते हैं, उनके लिए नीति बनती है, लेकिन किसानी आज बदहाल है। किसानों की स्थिति क्या है? किसानों की स्थिति आज खराब है जी। किसानों की स्थिति नहीं, किसानों की स्थिति खराब थी, हालत उनकी सुधार करने के लिए हमने उनके फसली ऋण 1 लाख रुपए तक की सीमा के माफ किए हैं और उससे लगभग 86 से 87 लाख किसानों को राहत मिली है और किसान उसका सर्वत्र स्वागत कर रहा है। एक तरीके से जो कर्जे के बोझ के दबाव में थे वो दबाव मुक्त करने का हम लोगों ने फैसला किया है और वो अब अच्छे तरीके से चिंता मुक्त होकर के वो खेती करेंगे। उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन को बढ़ाने में उनकी भूमिका से हमें बहुत लाभ होने वाला है और प्रदेश को उत्पादन उससे बढ़ेगा। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, चैनल 1 न्यूज, लखनऊ। इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।